राजधानी के सब्जी बाग में CAA और NRC के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए JNU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया पटना पहुंचे। कन्हैया अपने पुराने रंग में दिखे और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। NRC और CAA को तानाशाही बताते हुए कन्हैया ने साफ कहा कि केंद्र सरकार को अपने इस तानाशाही कानून को हर हाल में वापस लेना ही होगा। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं बताती है कि बेटी भाजपा के नेताओं से बचाने की जरूरत है। कि किस तरीके से रोज बरोज महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हमने देखा है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। इसीलिए इस देश की माँ ने तय किया है कि जब देश का बेटा नाराज हो जाता है तो माँ सिर्फ प्यार नहीं करती है, थप्पड़ भी लगाती है। इसीलिए ये जो हमारा प्यार है देश के प्रति, उस प्यार के नतीजे से ही हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इस देश को एक बार फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पूरा का पूरा कानून है, उस कानून को आप समझ लीजिए। मैं आपको कानूनबाजी नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको क्रिमिनोलॉजी समझा रहा हूँ। ये कानून क्या है? ये कानून ये है कि सबसे पहले NPR किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाएगा। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करने के लिए सरकारी बाबू आपके घर पर आएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी कहाँ पैदा हुए थे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपने हिंदी सिनेमा देखा है, एक हिंदी सिनेमा है स्त्री, और स्त्री में ये कहा जाता है कि रात को भूत आता है और उसके घर में भूत नहीं आता है, जो अपने घर के बाहर ये लिख देता है वो स्त्री कल आना है। ये जो NPR का भूत है, उस भूत के लिए भी हम सबको अपने घर के बाहर लिखना पड़ेगा तैयार होना पड़ेगा कि NPR हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अपने घर में घर की माएं यहां पे बैठी हुई हैं, जो साथी नौजवान हैं, उन तमाम लोगों से यह आग्रह है कि आप घर घर जाइए, हर किसी को बताइए कि कोई सरकारी बाबू अगर आपसे यह पूछने के लिए आए, ये बताइए कि आपके दादाजी के दादाजी कब पैदा हुए, आप भी उनसे पढ़े करके पूछिए। ये जो NPR है, ये NPR करने के बाद उन आंकड़ों को तैयार करके सरकारी दफ्तर में ले जाएंगे और सरकारी ऑफिस में बैठ करके वो NRC तैयार करेंगे। NRC तैयार करने के लिए आपके घर पे आने की जरूरत नहीं है, वो NPR करेंगे। NPR करने के लिए आपके घर पे आएंगे और जब NRC तैयार की जाएगी, नेशनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा सिटीजनशिप का, उसमें जिनका नाम छूट जाएगा उनको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और जहां तक डॉक्यूमेंट का बात है, जहां तक कागज का बात है, एक बात बताइए कि इस देश में किन लोगों के पास कागज नहीं है? जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं, उन तमाम लोगों को परेशानी होगी। और ये परेशानी सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगी, बल्कि इस देश के तमाम गरीब लोग हैं उनको भी ये परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए हम लोगों को एक सुर में कहना पड़ेगा, ना NPR मानेंगे, ना NRC मानेंगे, ना CAA मानेंगे। सरकार के पास बहुमत है, सरकार ने उस बहुमत के आधार पर एक कानून बनाया है, लेकिन उस कानून को मानने की जिम्मेवारी इस देश के नागरिकों के ऊपर है। अगर सरकार ने कानून बनाया है और हम कहते हैं कि हम सभी अवज्ञा करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हम इस कानून को नहीं मानेंगे, तो सरकार ये कानून लागू नहीं कर सकती है। इसीलिए आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि जब अप्रैल में
एनपीआर की शुरुआत होगी। अपने घरों में तैयारी करके रखिए, जो एनपीआर आपके घर में करने के लिए आए उनको कहिए कि आइए, आपको लस्सी पिलाएंगे, आपको खाना भी पिलाएंगे, आपको पानी भी पिलाएंगे, लेकिन दादाजी के दादाजी का नाम नहीं बताएंगे। ये तैयारी हम तमाम लोगों को करनी पड़ेगी और एक बार इस सरकार को याद दिलाना पड़ेगा, यह सरकार अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम हंसते हंसते अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल बन गए। अगर तुम अंग्रेजों की चाल चलने के लिए तैयार हो तो हम बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और अशफाकुल्ला खान के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। बिहार के हर इलाके में, देश के हर कोने में देश को बचाने के लिए ये लड़ाई होगी और लड़ाई जब होगी तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। Yeah.
तुम्हारी आजादी।